जी मध्य प्रदेश के दमोह में एक भयानक हादसा हुआ, एक भयानक विस्फोट हुआ और कुछ देर के लिए लोगों को ऐसा लगा कि मानो भूकंप आ गया हो। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। ये कोई ज्वालामुखी नहीं फूट रहा है और ना ही ये किसी युद्ध क्षेत्र में धमाका हुआ है। ये मध्य प्रदेश के दमोह से आई तस्वीरें हैं, जहां पर विस्फोटकों को नष्ट किया जा रहा है। धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां पर आग का बड़ा सा गोला बन गया और उसके बाद धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया। धुएं के बादल दिखाई देने लगे। इतना ही नहीं, घटना स्थल से कई किलोमीटर दूरी तक धरती में कंपन होने लगा। लोग समझने लगे कि भूकंप आ रहा है। इसके बाद तो लोग अपने फोन से मैसेज करके अपने रिश्तेदार दोस्तों को बताने लगे। सोशल मीडिया में भी भूकंप की खबर तैरने लगी कि दमोह के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धरती में कंपन आने से लोग बेहद ही डर गए थे। लेकिन यहां पर मामला कुछ और ही था। देहात थाने के जबलपुर नाका चौकी के अथाई गांव में ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आसपास के गांवों में हल्के झटके महसूस किए गए। दरअसल 31 अक्टूबर के दिन बड़ा पुल इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ था। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। घटना स्थल से विस्फोटक बरामद किए गए थे। बम डिफ्यूज टीम ने बड़ी मात्रा में पटाखे और बारूद जब्त किए। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने विस्फोटकों को दमोह के पास पहाड़ी पर डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूजन सागर से बीडीएस टीम के प्रभारी विनय तिवारी एवं उनकी टीम के द्वारा सुरक्षित स्थान बरबटी में किया गया। सर कहां से कहां था विस्फोटक? में सल्फर नाइट्रेट, पोटेशियम और इसके अलावा स्टिकर, फटाके और सल्फर चाक पेस्ट आदि सभी सामग्री थी जिसको डिफ्यूज किया गया। लोगों में भूकंप आने की गलतफहमी थी तो इसके बाद प्रशासन ने पटाखों के डिफ्यूज करने का वीडियो वायरल कर दिया, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। भूकंप की बात गलत होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।